नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू आपका दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई करने में कितना खर्चा आता है, गवर्नमेंट से करने पर और प्राइवेट से करने पर क्या फ़र्क रहता है। मैंने खुद जो है प्लम्बर ट्रेड से और कोपर ट्रेड से गवर्नमेंट आईटीआई जिन से जो आईटीआई कंप्लीट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर लिख दिया है कि कितनी फीस आपको किस समय देनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन से। जब आपका एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसकी फीस होती है 100 रुपये, जो कि हर एक स्टूडेंट को पे करनी होती है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में जब आप जाते हो तो आपको एक ही बार में पूरे साल की फीस जो है कंप्लीट पे करनी होती है, जो 15,000 से लेके 50,000 रुपये तक होती है। कम से कम फीस जो है 15,000 होती है और अधिकतम 50 तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस आईटीआई में आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, क्योंकि कोपा ट्रेड का जो फीस है, कोपा ट्रेड की जो नॉर्मल फीस रहती है एक प्राइवेट आईटीआई के अंदर, वो 15,000 से 20,000 तक रहती है। इसके बाद आती है दोस्तों ड्रेस। ड्रेस आपको प्राइवेट में भी खरीदनी पड़ेगी और सरकारी आईटीआई में जाओगे तो भी खरीदनी पड़ेगी। ड्रेस जो 700 रुपये की एक जोड़ी आती है पैंट शर्ट, और उसका प्राइस हो जाता है 1400 रुपये, और ये खर्चा आपका कॉमन रहेगा प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट आईटीआई में भी। उसके बाद आती है रेगुलर फीस। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में हर महीने फीस दी जाती है, इसी प्रकार से आईटीआई के अंदर भी जो है रेगुलर फीस देनी होती है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है दोस्तों, आईटीआई के अंदर फीस सिर्फ 3 महीनों में एक बार देनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। 135 रुपये आपको 3 महीनों में एक बार देने हैं, जो कि 4 बार गुना करने पर जो है 12 महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल फीस आपकी हो जाती है 540 रुपये, और ये फीस सिर्फ लड़कों को देनी होती है। लड़कियों की ये वाली फीस जो होती है ये माफ होती है, लड़कियों को ये फीस देनी ही नहीं होती है। इसके अलावा प्राइवेट आईटीआई अगर हम बात करें तो आपकी फीस जो एडमिशन के टाइम पे ही ले ली जाती है। उसके बाद आती है बस और ट्रेन का पास। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है, हर एक आईटीआई के अंदर आपको बस पास और ट्रेन पास की सुविधा मिलती है। ट्रेन का पास जो है आईटीआई के अंदर फ्री होता है, चाहे आप लड़के हों या फिर लड़कियां। इसके अलावा अगर आपको बस का पास बनवाना है तो सिर्फ लड़के जो होंगे, लड़के होंगे जो बॉयज होंगे, उन्हीं को बस पास की फीस पे करनी होगी। लड़कियों के लिए जो है गवर्नमेंट आईटीआई में बस पास की फीस फ्री होती है, आपका बस का और ट्रेन का दोनों का पास फ्री में बन जाता है। लेकिन जो प्राइवेट आईटीआई होती है वो डिपेंड करता है कि उस आईटीआई पे कि वो जो है बस और ट्रेन के पास की सुविधा उपलब्ध करवाती है या फिर नहीं, अन्यथा ये आपको खुद से करना होगा। उसके बाद आती है आपकी एग्जाम्स की फीस। एग्जाम की फीस दोस्तों आपको जो है सरकारी आईटीआई के जब हमारे एग्जाम आए थे तो प्रैक्टिकल के और थ्योरी की एग्जाम की फीस हमें देनी होती है, जो नॉर्मली 500 रुपये होती है। और प्राइवेट आईटी में डिपेंड करता है कि वो आपसे यहाँ पे लेंगे या फिर आप उन्होंने आपसे फीस स्टार्टिंग में ले ली थी। उसके बाद आती है दोस्तों किताबें, बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ईएस और मैथ। अगर आपकी ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग है तो सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल की किताबें खरीदनी है। अगर आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड की है, इंजीनियरिंग टाइप है, तो आपको चारों किताबें खरीदनी पड़ेंगी, जिनका प्राइस रहेगा 600-600 रुपये, ठीक है। आप गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, आपको 600-600 रुपये में ये किताबें खरीदनी पड़ेंगी। इतना तो जो है एवरेज जो प्राइस इनका रहता है। लेकिन जहां तक हमारी बात है, मैंने कोपा ट्रेड से जब आईटीआई किया था तो मैंने आईटीआई के अंदर कोई भी किताब परचेज नहीं की थी, हमें आईटीआई की लाइब्रेरी से ही किताबें मिल गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट आईटीआई से जो आईटीआई अगर आप करते हो कॉलेज से, तो कुल जो खर्चा था मेरा, जो एक साल में खर्चा था वो 3140 रुपए हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट आईटीआई से करते हो तो 2000 रुपए तो आपके ये किताबों के और यहाँ पे आपके ड्रेस के लगते हैं, और बाकी के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो डिपेंड करता है उस आईटीआई पे वो आपसे कितना लेते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से, गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करते हो तो 3500 या 4000 रुपये में आपका एक साल कंप्लीट होगा। वहीं अगर आप प्राइवेट आईटीआई में जाते हो तो 20,000 से लेकर 50,000 तक आपका खर्च आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों, आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।